नमस्ते, मैं स्नेहल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के योगा सेशन में। आज मैं आपको हाथों के और पैरों के कुछ सूक्ष्म व्यायाम दिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको कोई भी आसन में स्थिर बैठ जाना है, नीचे या फिर चेयर के ऊपर। और उसके लिए बैक को स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथ आपके शोल्डर लाइन में रखिए। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में रखने के बाद एल्बो में करने हैं स्ट्रेट, फिंगर्स में लेना है डिस्टेंस और करना है स्ट्रेच पूरे खिंचाव के साथ। उंगलियों को खींचना है अपनी ओर, फिर रिलीज करना है। इस प्रकार इसी स्ट्रेच को दोहराते रहिए। ओके, अभी इसके बाद दोनों रीज 1 और 2। यस, इसी प्रकार को दोहराते रहिए। नेक्स्ट होगा, दोनों हाथों के अंगूठे को दबाना है अंदर और हाथों की करनी है मुट्ठी और करना है रिस्ट को रोटेट। यस, इसी प्रकार। और फिर अभी उलट दिशा से। ये हर एक व्यायाम आप हर रोज 10 बार कर सकते हैं। दोनों हाथों को ज्वाइन कर लीजिए और दोनों रिस्ट को एक साथ रोटेट करिए। इससे आपके हाथों की रिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। और अभी राइट रिस्ट को आगे की ओर स्ट्रेच करना है। खींचा पूरा शोल्डर से, एल्बो से और रिस्ट से बना रहेगा। और इसी प्रकार लेफ्ट हैंड के साथ स्ट्रेच। और अभी दोनों हाथ आगे की ओर खींचते हुए नेक को करना है डाउन। पूरा खींचा बना रहेगा आपके हाथों पर, नेक पर और बैक पर। इससे आपके शोल्डर मसल्स रिलीज करने के लिए काफी मदद मिलेगी। ओके, हाथों के ये सूक्ष्म व्यायाम होने के बाद अभी जाते हैं पैरों की ओर। इसके लिए आपको दोनों पैर आगे की ओर स्ट्रेट रखने हैं और दोनों हाथ एक तो कमर के साइड में रख दीजिए या फिर घुटनों के ऊपर। पैरों में थोड़ा सा अंतर लेना है और दोनों पैरों के फिंगर्स को करना है स्ट्रेच पूरे खिंचाव के साथ। सिर्फ उंगलियों को खींचिए, छोड़ दीजिए, खींचिए और छोड़ दीजिए। उसके बाद दोनों एंकल्स, राइट एंकल आगे की ओर स्ट्रेच होगा, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट एंकल आगे की ओर स्ट्रेच होगा, राइट पीछे। इसमें आपको स्ट्रेचेस के साथ कोऑर्डिनेशन भी बनाना पड़ेगा। राइट एंकल आगे, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट आगे और राइट पीछे। अभी दोनों एंकल्स को करना है रोटेट एक ही दिशा में। दोनों एंकल राइट में रोटेट करने हैं, फिर लेफ्ट में रोटेट करने हैं। इसी प्रकार पैरों का अंतर थोड़ा सा बढ़ाते हुए दोनों एंकल्स अपोजिट साइड में रोटेट करने हैं। ये आपको दिखाई देते समय सिर्फ एंकल रोटेशन दिखता है, पर इसमें नी का भी रोटेशन चलता ही रहता है। ओके, फिर आपको दोनों पैर पास में लेने हैं और अगले पैर के व्यायाम के लिए आपको सिर्फ राइट लेग करना है फोल्ड और दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ना है। घुटने के नीचे पकड़ने के बाद आपके थाई का प्रेशर बना रहेगा आपके पेट के ऊपर। और फिर राइट लेग को करना है रोटेट लेफ्ट नी के ऊपर से, इस प्रकार। और इसी पैर को उल्टा जी, राइट लेग डाउन, सेम यही कृति आपको दोहरानी है लेफ्ट लेग के साथ। फिर एक बार पेट पर प्रेशर, बैक स्ट्रेट और रोटेट उलट दिशा से। यस, रिलैक्स। ओके, फिर अपने अपने आसन में आ जाइए और यही हाथों के और पैरों के सूक्ष्म व्यायाम नियमित दोहराते रहिए, आपको फायदा होगा। धन्यवाद।